वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद की ज़ेरे सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ। वज़राए के मुताबिक फैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पहले होंगे, 9वीं और 11वीं के इम्तहानात का फैसला कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा, जबकि ए लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद की ज़ेरे सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तालीमी सेशन का जायजा लिया गया। ज़राए का यह कहना है कि इजलास में फैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पहले लिए जाएं। फैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पहले होंगे, 9वीं और 11वीं के इम्तहानात का फैसला कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा, जबकि ए लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तालीमी सेशन का जायजा लिया गया। ज़राए का यह कहना है कि इजलास में फैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पहले लिए जाएंगे।